See how cute they are. मैंने सुना है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों की जैसी फोटोज देखो बच्चे वैसे ही होते हैं. सी हाउ क्यूट दे आर. देखो जरा सोचो अगर इन दोनों में से ऐसा ही बच्चा हमारा हो तो. री आप बताओ क्या सच में अभी भी तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए. क्या कर रही हो? मैं छत पे सोने जा रही हूँ. Are you crazy or what? You are making me crazy. निकालो ये सब. What is this, आदि? मैंने साफ साफ कह दिया, I don't want a baby. और मैं धमकी नहीं दे रही. मैं सच में जाके बाहर सो जाऊंगी. सोचने दो जिसको जो सोचना है. Okay. तुम्हारी जैसी मर्जी. तुम पागल हो चुकी हो. कार्तिक आई एम सॉरी. मैंने बार बार तुम्हें निराश किया है. तुम्हें नीचा दिखाया है. पर फिर भी जब तुमने कहा कि मैं हमेशा झूठी ही रहूंगी कभी नहीं सुधरूंगी तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ. लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से कहती हूँ कि मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगी और ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होगी. अगर तुमने मुझे गलत साबित किया लवली तो मुझे भी बहुत खुशी होगी. देर में योग केंद्र जाएंगे. क्या बात है रिया बहू? सब ठीक है ना जी? तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अपना ध्यान रखना. लवली वो दिन कब आएगा जब मासा तुझसे भी इतने ही प्यार से बात करेंगी? निमी बहू बच्चों की आज से मौखिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं.
बच्चों को स्कूल जाते हुए प्रसाद और दही और चीनी दे देना। हाँ जी। ओए अनु, याद रखना 2 2s are 4 और 2 9s are 18, ठीक है ना? क्या 2 2s are 4? हाँ, 2 9s are 18। गुड, वेरी गुड। अब जैसे ही टीचर पूछेंगे ना, सब लोग सही सही उसी वक्त जवाब देना, हाँ कुछ भूलना मत। हाँ ठीक है। और अनु, जब पूछेंगे तो जवाब देगा ना बेटा, भूलेगा तो नहीं ना? अगर याद लेगा तो बोलूंगा। ओए, ओए, तुम लोग ना मुझे मम्मी जी से डांट कर लोगे। हाँ भाभी, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? कुछ नहीं होगा। वैसे आपने बच्चों को वो दही शक्कर खिलाया जो मासा ने कहा था? ओले, वो तो मैं भूल ही गई। एक मिनट, चलो इन्हें मुंह खोलो, दही शक्कर खाओ। आज तुम्हारा ओरल एग्जाम्स है ना, अच्छे से करना। उसके बाद अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करना। और उसके बाद मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? अरे लवली चाची, वो सरप्राइज क्या है? जी सिने अवार्ड। पता है, जी टीवी पर रणबीर कपूर ना पहली बार परफॉर्म करने वाला है इस शो में, और मैं मासा को राजी करने की पूरी कोशिश करूंगी कि वो तुम्हें ये प्रोग्राम देखने दे। रणबीर कपूर? ओए ओए, लेकिन लवली ये कब आने वाला है? 5 फरवरी को रात 8 बजे। ओए ओए, चाहे जो हो जाए, देखना मैं ये प्रोग्राम जरूर देखूंगी। टीवी तो ना जी टीवी लगा के रखूंगी। हाँ। ओए, हंस के रहे तुम लोग। लेकिन उससे पहले ना तुम सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम लोग मन लगा के पढ़ाई करोगे और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आओगे, उसके बाद देखने को मिलेगा। हो गया है। लवली, खाने में क्या बनेगा ये तो बता दो, ताकि हम जल्दी बना दें। ये भाभी, ये लीजिए, पकड़िए ना। निमी भाभी, निमी भाभी, और क्या ना भाभी, ये क्या है लवली? भाभी, मैंने पूरे हफ्ते भर का चार्ट बना दिया है कि किस दिन लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनेगा। साफ सफाई, छत की सफाई, हॉल की सफाई, खाने की टेबल, नाश्ते। अरे लवली, ये सब क्या है? तुमने गलत कागज हमें दे दिया। इसमें तो रसोई का कोई काम नहीं है, बल्कि बाजार से क्या लाना है, साफ सफाई, इसके बारे में लिखा है। ये तो रिया को मिलना चाहिए। ओए कहना भाभी, आपका नाम मेरे पास आ गया है। ये रसोई का है, वो किचन का सारा आ गया है। ठीक है, बच्चों को संभालने मुझे थोड़ी आता है। कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। नहीं भाभी, नहीं, मैंने सबको ना एकदम सही चार्ज दिए। अब गहना भाभी, आज से आपकी जिम्मेदारी होगी घर की सफाई और बाजार से सामान लेके आना। और नहीं भाभी, आप जो है ना पूरी किचन संभालेंगे। पर रसोई का काम ऐसा क्यों? हाँ वही तो, बरसों से हम रसोई का काम करते आए और अच्छी तरह करते हैं, और निम्मी बच्चों को संभालती है, ये काम रिया को देना चाहिए। हाँ जी हाँ। भाभी, मैं वही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सालों से एक ही काम करते करते ना हर कोई बोर हो जाता है, एकदम उब जाता है, और इसीलिए मैंने आप सबकी जिम्मेदारियाँ आपस में बदल दी। अब यकीन मानिए, आप लोगों को ना ये करके बहुत मजा आएगा। ठीक है, मासा ने घर की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, तो अब जो तुम कहोगी वो तो मानना ही पड़ेगा। जी लवली जी, कोई गल नहीं, संभाल लेंगे जी। है जी, चलो रसोई तुम्हारी हुई और हम देखते हैं हमें क्या साफ सफाई करनी है। रिया भाभी, आप कोई भारी काम नहीं कर सकती ना,
इसलिए आपकी जिम्मेदारी होगी बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, उनको रेडी करना। और एक बात, आपको कपड़ों की बहुत नॉलेज है, इसलिए आप तय करेंगे कौन सा कपड़ा हाथ से वॉश होगा, कौन सा ड्राई क्लीनिंग के जाएगा और कौन सा वॉशिंग मशीन में धुलेगा। रिया भाभी, आपको ना बच्चों की पढ़ाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा जो अन्नू है वो मैथ में बहुत वीक है, इसलिए हम उसके लिए ना वो पजल्स लेकर आएंगे। और लकी, वो थोड़ा हिंदी में वीक है, तो हम उसके लिए ना कुछ स्टोरी बुक्स लेकर आएंगे जिनको पढ़ के उसका शब्दों का ज्ञान एकदम अच्छा हो जाएगा। और वो जो बबली है ना, वो पढ़ाई के अलावा बाकी सब एक्टिविटीज में बहुत वीक है, तो हम उसको डांस या फिर म्यूजिक क्लासेस में भेज देंगे। और बाकी आप खुद देख लेना। और कुछ नमस्ते भाभी सर। अरे नमस्ते, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप ही के घर आ रही थी। अच्छा, घर में पूजा रखी थी, उसी का प्रसाद लेके आ रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत पुण्य से मिलता है। आप आइए ना कभी घर पर। जी जरूर, आप भी आइएगा। ये भगवान, ये कुत्ता हमारी गली में कहां से आ गया? बाहर जाने का प्रोग्राम है तुम्हारा? मुझे पता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, बट नो, आज कोई प्लान नहीं। Are you happy now? भाभी, ये सब धुलने वाले कपड़े आप छांट लीजिए, कौन सा मशीन में जाएगा, कौन सा हाथ से धुलेगा, और आप ये कपड़े दे दीजिए, वो सब भी धुल जाएंगे। हाँ लिसन लवली, तुम मॉम जी नहीं, मुझे ऑर्डर्स नहीं दे सकती, समझ में आया? अब वो, हाँ वो कुछ नहीं, आप आराम कीजिए, वो जो कपड़े हैं ना मैं वॉशिंग में दे देती हूँ। ये धोने के कपड़े नहीं है लवली, अब ये साड़ी हैंड वॉश में दे दूँ? हैंड वॉश? तुम ठीक तो हो? ये महंगी साड़ी है, ये ड्राई क्लीनिंग में जाएगी लवली। भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नो थैंक यू, तुम अब जाओ। आई एम रियली सॉरी, आपको इन्वॉल्व करने के लिए मुझे अपना ये लवली तरीका अपनाना। हे भगवान, कैना बहू, मिमी बहू, रिया बहू, जल्दी से आओ। आशा, हे भगवान, अरे अरे जल्दी से एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर के आओ। लेकिन मम्मी, ये हुआ? अरे क्या हुआ मासा को? अरे क्या बताएं, हम गली में आ रहे थे और गली में ये कुत्ते ने काट लिया। मासा, आप इससे डर गई? अरे साहब, मासा को कुत्ते ने काट लिया। मासा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आप चलिए। मम्मी जी, चुप रहो, सब चिल्लाए जा रहे हैं, पहले सुन तो लो। अरे हमें कुत्ते ने काटा नहीं है, ये हमारा हाथ चाटा है। छिछी चाटा है? ओ, केवल चाटा है और आपने पूरा घर सर पे उठा लिया।
सा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? देखिए सा, मासा को कुत्ते ने काट दिया। अरे नहीं, घबराइए नहीं, आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, इंजेक्शन लगा। अभी 14 इंजेक्शन लगेंगे मासा को, 14 इंजेक्शन। अरे भाई कोई समझाओ ही नहीं। वो बड़ी भैया, वो मम्मी जी को कुत्ते ने काटा नहीं, चाटा है। निमी बहू क्या देख रही हो, जल्दी से लगाओ ना। पहले प्रसाद तो रख लो। हाँ जी। अरे बाबा वहां नहीं, यहां, बताया ना अभी। वैसे कुत्ते की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे आपको छाट लिया, कमाल है उसकी हिम्मत। वैसे ये आपको मिला कहाँ? सा, आपको मजाक सूझ रहा है? आप जानते हैं ना कुत्तों से कितनी नफरत है हमें। अरे वो हम तो गली में आ रहे थे, बस हो लिया हमारे पीछे पीछे, अभी मुआ बाहर ही होगा। अरे साफ करो ना निमी बहू। मासा मैं उस कुत्ते को जाके भगाता हूँ। मासा आप इससे डर गई? तुम इस कुत्ते को घर पर ले आई? बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो और जाकर के नहा करके आओ। मासा नहाना क्यों है? हे भगवान, अरे देखो ना इस कुत्ते में कितने कीटाणु हैं। जाओ, कितना गंदा है ये, इसे बाहर फेंको और जाके नहा के आओ। हाँ। इसकी हिम्मत तो देखो, जिससे हमें इतना डर लग रहा है उस कुत्ते को घर पर ही उठा के ले आई। तुम यहाँ गली में क्या कर रहे हो? हाँ? और तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? तुम्हें छोड़ के कौन गया होगा? अच्छा सुनो, अपना ध्यान रखना, ठीक है? जाओ जाओ। जाओ और जा करके नहा कराओ दोबारा से। मासा वो तो छोटा सा पापी है, उसमें क्या? हमने कहा ना कोई भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। अरे विघ्नेश्वर जी, छोटा सा तो है, भूखा होगा, आपके हाथ में प्रसाद देखा तो पीछे पीछे खाने चला आया, उसे कुछ खिला देते। सा, खबरदार, अगर घर में से किसी ने भी उस पर प्यार उंडेला या उसको कुछ खाने को दिया, अगर वो मुंह लग गया ना तो रोज यही पड़ा रहेगा। पहले क्या कम मुसीबतें हैं जो अब इसे भी रख ले। हे भगवान, चलो कहना बहू नहाने की तैयारी करो, हम नहाने जाएंगे। हाँ चलिए मासा चलिए। बेचारा बाहर भटक रहा है इतनी सर्दी में, मुझे इसे अंदर ले आना चाहिए। लगता है इसे ठंडी लग रही है, लगता है इसके पास इसके मम्मा भी नहीं है और इसे शायद भूख भी लग रही होगी। तो मैं इसे चुपके से बिस्किट देकर लाता हूँ। अरे वाह, रोज के खर्च में से आज पूरे 50 रुपए की बचत हुई है।
काम करती हूँ। इन पैसों को ना गुल्लक में डाल देती, बाद में काम आएंगे। अनु, इतनी रात को तुम हॉल में क्या कर रहे हो? लवली चाची बांधना है, छोटा सा डॉगी लोला है, डॉगी ना भूखा है बाहर, मैं ना बिस्किट लेने जा रहा था। अनु तुम अंदर जाओ, अगर मासा को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी और इसे बिस्किट मैं खिला दूंगी। हाँ तुम अंदर जाओ। सर्दी में मुझे इसे अंदर ले आना चाहिए। सास की पांच बहू